हे यार गाइस, तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ऑफलाइन में बैठ बैठ के ना बहुत बोर हो गया था, तो मैंने पूरा 2 दिन बैठ के पूरा अंडरग्राउंड ही चेंज कर डाला। पहले तो हमें एक चीज़ दिखा दूँ। ये देखो, हमारे बेस में एक मेहमान आया है जो कि है ट्रेडर, और ये हमको बेच रहा है एमरल्ड के बदले बहुत कुछ सामान। बट लेने वाला हूँ नहीं कुछ, क्योंकि नहीं है हमारे पास एमरल्ड, तो हम ठहरे न ले। कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और मैंने ये फ्लोर पूरा चेंज कर दिया, और इसके अंदर भी बहुत कुछ, ये देखो 64 64, और इसमें गोल्ड। मैंने बहुत माइनिंग किया था, बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हुलिया चेंज कर दिया। और भाई 2 काउस थे, मैंने देखो कितने सारे कर दिया, ठीक है। और यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं हम, एकदम ऊपर, जो कि मैं अभी जाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आज हमारा काम नहीं है। और हमारे पास 3 जो विलेजर था ना, जॉम्बी विलेजर, वो भी विलेजर है। और ये वाला फ्लोर का मेरे पास सामान पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये देखो विलेजर, 3 विलेजर है, मगर इसको क्योर करने के लिए ना हमारे पास पोशन नहीं है भाई। पोशन चाहिए होगा, बट उसके लिए मेरे को एक बार नेदर पोर्टल में जाना पड़ेगा। और नेदर पोर्टल मैंने तोड़ दिया है, क्योंकि मेरे को वहाँ पर चाहिए नहीं था। तो नेदर पोर्टल में बनाऊँगा, और बना के मैं ब्लेज रॉड सिर्फ लेने जाऊंगा, और कुछ करने वाला ना नहीं। नहीं ब्लेड से अगर रॉड लेने जाना ना, पूरा एक बार नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, हम उसमें नेदर घूमेंगे भाई। नेदर मतलब नेदर एक्सप्लोर करेंगे, वैसे इन फोर्ट्रेस, जो नेदर फोर्ट्रेस है उसको भाई एक्सप्लोर करेंगे। और वहाँ से ब्लेज रॉड मेरे को चाहिए, ऊपर मैं जाने वाला हूँ नहीं अभी। और इस तरफ ना मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इस तरफ ये देखो पूरा का खुला खुला मैदान हो चुका है। पता नहीं, मतलब बहुत दिनों से मैं, मतलब 2 दिन से मैं सिर्फ माइनिंग किया था। तो मेरे पास ये देखो सिल टच 1 मैंने लगा दिया था, और इस एक मिनट ये भी ले लूँ, सिल टच है जब, तो इसको भी एक मिनट, मैं सिल टच से ले रहा हूँ या ख़त्म हो जाएगा ना, तो मेरे को दिक्कत हो जाएगा। बट सिल टच से मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को स्टोन चाहिए, और कबल स्टोन नहीं, मेरे को सिर्फ स्टोन चाहिए जो कि मैं डेकोरेट करने वाला हूँ। इस वाले सीरीज से मैं हर एक चीज़ डेकोरेट करने वाला हूँ। तो अंडरग्राउंड है तो बहुत मतलब दिक्कत होगा डेकोरेट करने में, तो इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा कोल चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक, ओह तू इधर गिरा है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है जो कि है फॉर्च्यून, क्योंकि फॉर्च्यून 3 हमारे पास एक, अरे भाई तू भी है, ठीक है तू ले लेता हूँ। तो फॉर्च्यून 3 का एक बुक है जो कि मेरे को मिला था फिशिंग के दौरान, उस वाले से लूँगा, और तेरे को भी ले लूँ। गिरूँगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने बहुत मेहनत करके माइनिंग किया था, पूरा मतलब 10 घंटा या ऐसा ही कुछ, मतलब पूरा दिन ही किया था भाई माइनिंग, और पूरा दिन बैठ के पूरा बेस ही चेंज कर दिया। और इधर मेरे को लावा, वो देखो देख सकते हो, तो लावा मिला था, बट लावा मैं जाने वाला हूँ नहीं, मेरे को सिर्फ ये चाहिए। तो आज मैं ना क्या बना लूँगा, मतलब थोड़ा सा डायमंड मैं तोड़ने जाऊँगा, और थोड़ा एक बनाऊँगा इंचेंटमेंट टेबल, उससे पहले मैं लैपिस ले लूँ। और रेस्टोन भाई, इसमें ना भर भर के रेस्टोन भी मिल रहा है। अब मेरे को अलग तरह से बहुत कुछ मतलब सजेस्ट कर सकते हो, बट मैं पढ़ूँगा कैसे मेरे को नहीं पता, बट मैं कैसे भी कैसे आपका कमेंट्स पढ़ लूँगा। और एक बात, नेक्स्ट वीडियो मतलब पिछले वाले वीडियो में मैंने वो वाला बताया नहीं था क्योंकि मैंने देखा नहीं था, तो भाई 400 लाइक आप लोगों ने करवा दिया, इसके लिए भाई बहुत बहुत थैंक यू। मतलब 400 लाइक, 400 भाई, इतना सपोर्ट भाई साहब, सही है। और तू बेसिकली तू मर जा, तेरे को चाहिए नहीं, तो इसको मार दूँगा, इसके लेदर मेरे को चाहिए। और इसको भी रख देता हूँ, और एक मिनट काम कर लूँ, इसको मार ही दूँ, क्योंकि मेरे को लेदर चाहिए। और लेदर से मैं क्या बनाऊंगा मेरे को अभी तक पता नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो बनाऊंगा वैसे। और आज का वीडियो ना थोड़ा एक्सप्लोर होने वाला है, क्योंकि मेरा को बहुत कुछ मिला है जो कि आपको सिर्फ दिखाऊंगा आज, और आपको थोड़ा पता चल जाएगा कहाँ पे कुछ है। और नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा सा काम करेंगे, बट मैं वीडियोज़ में काम करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, मेरे को ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, बट आपको बाद में दिखा दूँगा। तो हमारे पास 29 डायमंड्स है, और ऑब्सीडियन तो 22 है। एक मिनट, तो मैं एक काम कर लूँ, इसमें जाओ, तो मेरे को और एक पिकैक्स चाहिए, पिकैक्स ले लो डायमंड का, जिसमें ले लगाऊँगा फॉर्च्यून 3, ठीक है। और मेरे पास एक फॉर्च्यून 3 का बुक है, और इस वाले मैं जगह को भी चेंज करने वाला हूँ फिजिंग, क्योंकि मैं फिजिंग करता ज़्यादा नहीं हूँ।
मेरे को फिशिंग उतना पसंद नहीं है करना क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो ये इसको ले लो, फॉर्चून 3। हाँ यही फॉर्चून 3 है, और फॉर्चून 3 के भाई मेंडिंग भी है जो कि सही है, मतलब सही है, फॉर्चून 3 में मेंडिंग सही है फ्री में मिल गया, तो इसको लगा लो। और इसको लगा देता हूँ फॉर्चून 3 को, 40 XP। चलो कोई नहीं, मिल तो जाएगा, 10 XP हो गया, देख रहे हो भाई साहब, मतलब खाता बहुत XP। सो अभी ना ये वाला जगह को मैं अपना बेस बनाऊंगा, मतलब जहाँ पे मैं अपना रूम बनाऊंगा, और मैं को ये जगह मैं दिखा दूँ। सो इस वाले जगह को मैं पूरा का पूरा चेंज करने वाला हूँ। तो इस वाले जगह में मैं करूँगा ट्री फार्म, ठीक है, इस वाले जगह में मैं करूँगा ट्री फार्म, क्योंकि इस वाले जगह पे बहुत ज़्यादा ही ग्रैबल्स है, देख पा रहे हो। सो ग्रैबल्स इतना है, मेरे को एक बार टॉर्च नीचे लगा दूंगा तो ग्रैबल्स सारे टूट जाएंगे, तो ऐसे करके मेरे को बड़ा एक इलाका मिल जाएगा। और इस वाले जगह पे जो कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था, मेरे को एक स्पॉनर मिला था जो कि किसका है, स्पाइडर का, और एक केव स्पाइडर है, देख रहे हो ये ब्लू ब्लू कलर का है, थोड़ा सा ग्रीन है स्ट्राइक पर, तो ये केव स्पाइडर है। तो मैं दो केव स्पाइडर का स्पॉनर बनाऊंगा, एक नॉर्मल केव स्पाइडर का स्पॉनर जो कि XP फार्म होगा, स्पाइडर का XP फार्म, तो दो तरीके का बनाऊंगा। और इस तरफ का तो पता नहीं, मैंने गया था बट कुछ नहीं मिला, और ये मैं बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले इसमें दिखा दूँ, जहाँ से हमारा नेदर फोर्टेस था, मतलब नेदर फोर्टेस नहीं, माइनक्राफ्ट था, और उसमें थोड़ा सा हमको इजी हो गया है, जो कि अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इधर से अगर जाऊँगा ना, इस वाले से नहीं, एक मिनट गोल्ड है, चलो कोई नहीं। सो ये देखो, अरे ये नहीं सॉरी, तो इस वाले से ऊपर जाऊँगा तो ये देखो पूरा इस वाले एरिया में आ जाऊँगा, तो मेरे को घूमना नहीं पड़ेगा भाई। मैं ऐसे ही तोड़ दिया, मेरे को लगा इसमें होगा, तो नीचे चला गया, तो मैं फिर देख रहा हूँ इस तरफ ही है। सो ये एक थोड़ा सा आसान हो गया, और नीचे हमारा जो डायमंड था ना, डायमंड वो भी मैं ले आता हूँ। तो यहाँ पर हमको डायमंड भी मिला था जो कि फॉर्चून से मैं लूँगा, तो फॉर्चून से मेरे पास 29 साइड डायमंड थे, और अभी चलो देखते हैं कितना डायमंड होगा। और मेरे को डर भी लग रहा है इसके नीचे भाई, 8 लेवल था ना, तो नीचे ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो मिला, दो इसमें कितना मिला, 3 शायद, पता नहीं, और दो दो, ओके दो दो करके मिल रहा है भाई, दो से भी ज़्यादा मिल जा, तो नीचे लाभा तो नहीं है, नहीं है, चलो कोई नहीं। सो अभी इसको भी ले लो, यहाँ पर एक मिला शायद, एक दो दो, 29 था पता नहीं, 45 सही है भाई, सही है। और रेडस्टोन भी है, रेडस्टोन भी ले लो। तो भाई रेडस्टोन भर भर के मिल रहा है, सो मेरे को ना रेडस्टोन का कुछ सामान बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेडस्टोन का मेरे को बहुत कुछ आता है बनाना, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी के जैसा बना सकते हैं। और अब कुछ आइडिया मेरे को देना कि आप कैसा कुछ बनाना चाहता हो, तो आप अगर बनाना चाहते हो तो मैं भी उसको बना के दिखाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा बनाने के लिए, बट हाँ करूंगा। और ये वाला पिकैक्स मेरे को हटाना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड का पिकैक्स मैं अभी रख लूँगा भाई, डायमंड का पिकैक्स है, अगर टूट गया ना, और इसमें सिल्टाइज भी है, तो मेरे को सिल्टाइज भी यूज़ करना पड़ेगा ध्यान से, और मेरे को भर भर के भाई सिल्टाइज चाहिए, तो मेरे को ना वो विलेजर्स को जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा। सो उसके लिए मेरे को विलेजर्स का एक बेस बनना पड़ेगा, जहाँ पे मैं विलेजर्स को रख सकूँ, तो वो मैं तो ऑफलाइन ही करूँगा, और 2-3 दिन के बाद ही वीडियो आएगा। सो मेरे को बहुत टाइम मिल जाएगा ऑफलाइन खेलने के लिए, और वैसे ऑफलाइन ही अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सो कोई नहीं। तो यहाँ पर भी एक है, तो इसे वो ले लो, ले लिया। तो मैं एक और काम करता हूँ, जो भी मेरे पास है सो उसको मैं डबल ट्रेन कर लेता हूँ, यहाँ पर देख लो कितना मिलेगा। तो ये आ जा भाई, भर भर के मिला 64, ओके कोल्स भी थाले मिलेगा वैसे तो भाई, फॉर्चून के जैसा तो बहुत कुछ हो जाएगा। ओके तो ये भी हो गया, कोल्स भी मिल गए, चलो अभी ऊपर चलते हैं। तो इस पर भी है, तो कोल्स और फॉर्चून का मेरे, मतलब फॉर्चून पर फ़ायदा हो गया, 49 सही है। और इस तरफ कुछ है नहीं, चलो। और रेडस्टोन का दो है, इसको भी ले लो भाई, जो भी अभी ले लेता हूँ, बाद में पता नहीं कब ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर एक डायमंड भी था, एक ही डायमंड था यहाँ पर, पता नहीं कहाँ पे था, मैं भूल गया। सो इधर तो नहीं था पूरा मेरे को दिखा था एक ही डायमंड, तो इधर कोल है, चलो। ओ हाँ, मेरे को लगा ही था यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सबको कर दिया पानी से। सो इसमें से एक ही मिला शायद, एक या दो पता नहीं। तो मेरे को डायमंड फार्म करना पड़ेगा, और आप मेरे को ये कमेंट करो कि डायमंड फार्म करते हुए आप, मैं वीडियो बनाऊं कि या ऐसे ही वीडियो में माइनिंग कर लूँ, बाद में आपको दिखा दूँगा कहाँ पे डायमंड्स था। सो
आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर भी रेस्टोरेंट मिल गया और इधर भी है, ठीक है चलो ये भी ले लेता हूँ। ओके ओह कौन गिरा, तू कहाँ से आया बे, तो मर जा यार मर जा। ओके चलो हेलमेट तो दे के गया तो ओके चलो ये भी ले लेता हूँ। ओ तू, अरे ऊपर कोई स्पॉनर है क्या? ओ हाँ स्पॉनर बोल के मेरे को याद आया, मेरे को एक स्पॉनर भी मिला था जॉम्बी स्पॉनर, जो कि मतलब भाई नसीब अच्छा है जॉम्बी फोनर, क्योंकि जॉम्बी फोनर को हम ट्राइडेंट स्पॉनर में भी बना सकते हैं, फोनर क्या बोल रहा हूँ स्पॉनर में भी बना सकते हैं। सो मैं जल्दी से जल्दी उसको बनाऊँगा, पहले तो मतलब एक ट्राइडेंट का स्पॉनर बनाऊँगा जो कि मॉब स्पॉनर होगा जो भी हो एक्सपी फार्म। सो उसमें से बहुत सारे इंचेंटमेंट लूट वगैरह मिल सकता है, ठीक है तो वो मैं वो दिखा देता हूँ। सो इस वाले साइड से अगर जाएंगे तो इसमें दो साइड मिलेगा राइट और लेफ्ट, तो मेरे को राइड में ना कुछ नहीं मिला, ठीक है कुछ नहीं मिला इस तरफ, मेरे को सच में कुछ नहीं मिला, सिर्फ खोल मिला था। तो मैं इस तरफ गया तो मेरे को एक कोऑर्डिनेट एक बंदे ने भेजा था। सो इधर भाई पूरा का पूरा ग्रेवल का भंडार है भाई, ये देखो ये भी ले लो, जहाँ पे भी देखे ले लो भाई साहब, भाई काम का है लैपिस बहुत काम का है। सो ऊपर ओ तू तो ऊपर जाऊँगा तो ये देखो भाई, देख रहे हो मेरे को मिल गया, और मर जा भाई, मैं थोड़ा सा इसको मर देता हूँ नहीं तो बहुत दिक्कत करेगा। और ज़ॉम्बी फोनर को स्पॉनर को मैं पूरा सेम जो स्केलेटन स्पॉनर है उसके जैसा ही बनाऊँगा, क्योंकि वो दोनों सेम ही है भाई, स्केलेटन स्पॉनर और ज़ॉम्बी स्पॉनर दोनों सेम ही तरीके से बना सकते हैं हम लोग। सो मैं उसको एक्सप्लेन मतलब दिखाने नहीं वाला कैसे बना मतलब बनाऊँगा, सो उसको मैं ऑफलाइन ही बना दूँगा, बट अभी उतना टाइम नहीं है, हमको नेदर में जाना पड़ेगा और मेरे को थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा। सो उसको उसके बाद वाले वीडियो में बनाएंगे, और फिलहाल तो इसको तोड़ो और अंदर जाओ। ओ भाई साहब कितने सारे हैं, तीन है, चलो कोई नहीं ओके। अरे मर जा यार मर जा। सो ट्राइडेंट स्पॉनर एक बना दूंगा तो मेरे को थोड़ा सा मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा ट्राइडेंट के तरफ से, और यह भी फालतू का चीज़ है बट ले लो, बट मेरे को एक ही चीज़ का रीज़न है भाई, हम लोग वुल्फ कैसे लेके आएंगे, मतलब जो पेट होगा वुल्फ वो कहाँ से लेके आऊँगा, बट वही टेंशन है तो और कोई नहीं। तो तू भी आ जा और क्रीपर, अरे ओ भाई ना फट गया, चलो कोई नहीं बस तो गया मैं, और एक ही बात का भाई ठीक है कि ये फटा नहीं तो इसमें भी और एक लगा दो, ठीक है चलो। और इस तरफ ना कुछ है जितना भी हो सके लगा दो, इधर भी स्पॉनर है क्या किसी का, कितना सारा मॉब्स है, इधर एक लगाओ। ओ भाई तू, मेरे पास तीन है ऑलरेडी, तेरे को नहीं चाहिए तू मर जा तेरे को बात में लूँगा, तेरे को कोई काम नहीं हमारे चरण में। तो भाई थोड़ा समय यहाँ पर एक्सप्लोर कर लूँ क्या है, सो उसके बाद मैं फिर से आता हूँ, तब तक थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। चलो ये तो हो गया और अभी कुछ नहीं है, तो अभी वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। ओ नो नो नो, मैं एक चीज़ भूल गया भाई भाई, सॉरी सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया, तो मेरे को एक इंचेंटमेंट टेबल बनाना था, क्योंकि आज मैं एक मेरा तलवार को इंचेंट करूँगा, बट ये तो ख़त्म होने वाला है, बट फिर भी मैं इंचेंट कर लूँगा इसमें, कुछ अगर आ जाए सही का फायर एक्सपर्ट जैसा कुछ तो कमाल हो जाएगा। तो वही आज ज़्यादा कुछ करने वाला हूँ किया नहीं, सो यही बना लेता हूँ और क्या कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या क्या चाहिए था, डायमंड चाहिए था, ऑब्सीडियन चाहिए था और एक बुक चाहिए था, क्योंकि मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक बुक है, मेरे को लगता हाँ मेरे पास ये देखो एक बुक था, मैंने देखा था मेरे पास एक बुक था। सो एक बना लो ये, और एक स्टोन कटर बना लो, क्या बना ही लेता हूँ, तो स्टोन कटर भी बना गया, और रखूँगा कैसे किधर भाई, तो पहले खाना खा लो भाई, खाने का बहुत कमी है, और वो देखो अकेला ही वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो मेरे को ये वाला पूरा एरिया फिर से चेंज तो नहीं करने वाला, बट डेकोरेट करना पड़ेगा, तो इस वाले एरिया को मैं पूरा का पूरा स्टोरेज रूम बनाऊँगा, और इसको रखूँगा कहाँ भाई, पहले तो ये रखो, किधर रखूँ, इसको ऊपर रख देता हूँ। ओके तो इसमें क्या आएगा, क्या आएगा, अनब्रेकिंग 3 आ जा, अनब्रेकिंग 3 ले लेता हूँ,
कुछ नहीं आया, सिर्फ आंगन ब्रेकिंग 3 आया, कोई नहीं चल जाएगा। और स्टोन कटर वो किधर था, ये इसके ऊपर रख देता हूँ। ओके चलो हो गया, तो ये भाई काम हमारा हो चुका है पूरा फिलहाल तो, और ज़्यादा कुछ आज मैं करने वाला हूँ नहीं। और आप लोग मेरे को ये कमेंट करो कि ऊपर का सीलिंग मैं क्या करूँ, इसमें लाइट का कुछ तो करना पड़ेगा, बट पूरा डेकोरेट करने वाला हूँ पूरा का पूरा, तो टाइम लगेगा। चलो कोई नहीं, आज वीडियो को ख़त्म करते हैं बड़ी। सो होप यू गाइस आज को आज हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा, पता है कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको बताया था, बट चलेगा आप कुछ दिन एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। तो आज वाला वीडियो अगर पसंद आए ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो थोड़ा से भी अगर ज़्यादा पसंद आए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नहीं हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो यार, इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड सारे सब कुछ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो और कुछ नहीं, सब तो बोल दिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।